हे व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई दी मूवी मंथ अपडेट। ये जो वीडियो है भाई, ये हमारी एक नई सीरीज दी मूवी मंथ अपडेट का है और इसका सीजन वन है ये। इसके अंदर हम लोग भाई जो भी मूवीज आने वाली है इस महीने में बेस्ट से बेस्ट, उसके बारे में हम बताने वाले हैं। बाकी चालू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले भाई क्रेड 3 की बात कर लेते हैं, जो भाई क्रेड सीरीज का थर्ड पार्ट है, थर्ड इंस्टॉलमेंट है। और भाई मैं आपको पहले बता दूं, मैंने फर्स्ट और सेकंड नहीं देखी है, क्या पता शायद इसके आने तक मैं देख लूं, हालांकि ये परसों ही आने वाली है। अगर मैंने भाई इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट का नहीं देखा है तो भाई मैं शायद थर्ड पार्ट का रिव्यू नहीं करूं। लेकिन अगर मैं जाऊंगा, मेरी टिकट अच्छे से बुक हो गई फर्स्ट डे फर्स्ट शो की, तो फिर मैं आपको इसका फर्स्ट रिव्यू जरूर दूंगा। जो अगली मूवी है वो है रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर की तू झूठी मैं मक्का TJMK, ठीक है ना मेरे भाई। मुझे इस पिक्चर से कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं है, पर भाई इसके बाद जो पिक्चर आ रही है, जो इसी के साथ लग रही है, 65 स्क्रीम 6, भाई मैंने स्क्रीम के कोई भी पार्ट्स नहीं देखे तो इसकी मूवी का रिव्यू मैं नहीं देने वाला। और साथ ही साथ भाई मैं, ये जो 65 है, इस मूवी का मैं रिव्यू आपको देने वाला हूँ। तू झूठी मैं मक्कार का मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ और इसके बारे में कुछ और चर्चा भी करने वाला हूँ। एंडिंग तक देखना, वहाँ पे दो और सीरीज के नए अनाउंसमेंट है, तो भाई मजा आने वाला है। भाई जो तीसरा फ्राइडे आने वाला है उसके अंदर तो बहुत ही ज्यादा धमाका होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर शज़ाम 2 जो है DC की यूनिवर्स से आ रही है, वो बहुत ही डेंजर। शज़ाम अगर आप पार्ट नंबर देखा है, मैंने देखा है, तो मैं इसका रिव्यू देने वाला हूँ। और आपको चैनल पे अगर आपको इसका रिव्यू चाहिए तो नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, दबा दो भाई, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। दूसरी पिक्चर आने वाली है मिस्टर चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। भाई इसका जो मैंने ट्रेलर देखा था, मैंने हालांकि इसका ट्रेलर का रिव्यू नहीं किया, लेकिन अगर मैंने ट्रेलर इसका पहले ही देख लिया था, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल ट्रेलर है। हालांकि हमारे पीजे भाई भी रोने लगे, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल ट्रेलर है। और इस मूवी से रिलेटेड मैं उसी रिव्यू में आपको बात बताने वाला हूँ। भाई ज्वेगेटो जो है हमारी कपिल शर्मा की एक और नई मूवी, हालांकि इससे पहले दो मूवीज वो बना चुके हैं जो फ्लॉप गई है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ भाई, इस मूवी के लिए मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि किस तरह से वो अपने जॉब से लड़ाई करता है, किस तरह से अपना घर चलाता है, वो सब देखने के लिए। और उसी के बाद जो है बहुत ही मस्त मूवी आने वाली है साउथ के साइड से, कब्जा। भाई इस मूवी के लिए भी मैं बहुत उतना ही एक्साइटेड हूँ जितना मैं शज़ाम 2 और ज्वेगेटो के लिए हूँ। बाकी मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए तो भाई नेक्स्ट लेवल एक्साइटेड हूँ मैं। उसके बाद जो फ्राइडे आने वाला है भाई, उसके अंदर तो जॉनी विक 4 जो है, मैंने थर्ड सेकंड फर्स्ट कोई भी पार्ट नहीं देखा है, फिर भी भाई मैं इस पिक्चर का रिव्यू देने वाला हूँ। तब तक मैं शायद देख लूंगा इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पार्ट्स को, और साथ ही साथ भीड़ जो पोस्टपोन हो सकता है, क्योंकि अभी तक इसका कोई ट्रेलर विलर नहीं आया है। बाकी अगर आ गया तो फिर समझ लो भाई वो आ जाएगी, लेकिन हो सकता है कि वो पोस्टपोन हो जाए। लास्ट 30 तारीख को जो फ्राइडे है भाई, उसके अंदर माई फेवरेट अजय देवगन भोला के साथ रिटर्न हो रहा है। मतलब मेरा सबसे, मुझे जिस बंदे की भाई क्रिएटिविटी अच्छी लगती है वो सिर्फ एक ही है, अजय देवगन। भोला भाई मेरे को बहुत अच्छी, उसका जो आपने ट्रेलर देखा होगा आज मौत महाकाल को चढ़ा के आया हूँ, वो वाला बहुत ही खतरनाक एंगेजिंग था। और साथ ही साथ भाई मूवी आने वाली है जिसका नाम है दसरा, और वो भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसे देखने के लिए मैं भी। आप किस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो और आप किसे देखने जाओगे? तू झूठी मैं मक्का, भोला, कब्जा, ज्वेगेटो, मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, जॉनी विक 4, स्कीम 2, 65, शज़ाम 2, क्रेड 3, किसे आप देखते जाओगे भाई? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी भाई मैंने इतनी सारी पिक्चरों का नाम लिया, ये वीडियो कैसा लगा, ये सीरीज आपको कैसे लग रही है, वो भी नीचे कमेंट करके बताना। और हमारा जो नया सेटअप आने वाला है वो तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं एक माइक मंगा चुका हूँ। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय टाटा सी यू, जय हिंद वंदे मातरम, सब्सक्राइब करके जाइए।